इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जीव अपना ज्ञान भगवान पर रख देता है, क्यों? भगवान भी 3.5 हाथ का आदमी मना कर सोचते होंगे कहां से बना दिया इसको। अद्भुत है साहब ये, ओहो, मौका मिले तो भगवान की जगह ले ले। आप तो देख ही रहे होंगे अनेक भगवान प्रकट हो गए, है नहीं? जीव के शिव समान भगवान भगवान है, जीव जीव है। आप जानते हैं भगवान कौन है? 5 तत्वों पर जिसका शासन है वो भगवान है। चितजल पावक गगन समीरा, ये भगवान का मतलब ये होता है, भ ग व अ आ न, भगवान। व मने भूमि, ग मने गगन आकाश, व मने वायु, व मने अग्नि, और न मने नीर। ये 5 तत्वों का जो प्रशासक है उसका नाम है भगवान। हम जीव हो सकते हैं, भगवान नहीं है, ये भगवान है। हमारे भगवान को कोई काट नहीं सकता, भगवान की मृत्यु नहीं होती, भगवान का जन्म नहीं होता, फिर क्या होता? भगवान प्रकट होते। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्यारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। भगवान प्रकट होते हैं, और ये जो प्रकट भगवान है इनका विश्वास, प्रश्न नहीं, नोट ऑफ इंट्रोगेशन नहीं, एक्सक्लेमेशन भी नहीं, ऐसा कैसे होता, कुछ भी हो सकता है। ये जो चेतन कर जड़ करई, और जड़ ही करई चैतन, अस समर्थ रघुना यकई भज ही जीवते धन। भगवान समर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं साहब। समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। भगवान भगवान है। भगवान ने माँ को जाते देखा, त्रिरूप दर्शन कराया है, माँ घबरा गई, बैठ गई। 2 पल बाद भगवान ने माया समेटा और चली अब शिव जी के पास। पहली गलती हो स्वीकार कर लेना चाहिए, सॉरी क्षमा करेंगे आप, अब नहीं करूंगा। देखिए गलती हो गई एक बार, हमने क्षमा मांग ली तो दोबारा वो गलती नहीं होनी चाहिए। किसी महापुरुष ने कहा है कि मनुष्य जब जब गलती करता है तब तब कुछ न कुछ सीखता है। दूसरे महापुरुष ने लिखा, इसका अर्थ ये नहीं लगाया जाए कि जब जब गलती करे कह दे कि हम तो सीख रहे थे। जीवन भर सीखता रहेगा नहीं। आप जानते हैं हम आप सब सीखते हैं, हम लोग तो नित्य सीखते हैं, नित्य समझते हैं, आप सब भी। कोई सर्व प्रकार पारंगत नहीं है परमात्मा को छोड़कर, जीव सीखता ही रहता है, जहां जाता वहीं सीखता है। कई बार हम छोटे छोटे बच्चों से सीख लेते हैं। एक परिवार में हम बैठे थे, छोटा बच्चा पानी पी लिया, और पानी पीकर एक गिलास कहां रखूं, मैं बड़े गौर से उसको देख रहा था, कहीं रख दे। बुलाया मैंने, मैंने कहा गिलास कहाँ रखा, बोले जहां सब जूठे बर्तन रखे वहां रखा। मैंने कहा अजीब बालक है ये, 4 साल का बालक जहां सब जूठे बर्तन रखे वहां कहीं और रख जाए तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, उस बच्चे का ये संस्कार दृढ़ है, ये जूठा हो गया तो जूठे में ही रखा जाएगा, साफ जगह नहीं रखा जाएगा। ये संस्कार है,
बच्चों से भी हम सीख सकते हैं। सीखने की समझ हो, सती अम्बा भुगतनी पहुंची, शिव बाबा ध्यान में थे, पद चाप सुनी पूछ बैठे, लीन ही परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सब बात। मेरे भी आपसे आग्रह किया, पहली भूल हो तो स्वीकार कर लीजिए, दूसरी भूल नहीं होगी, पहली गलती हो तो स्वीकार हो जाए, नहीं तो दूसरी होगी, तीसरी होगी, फिर इतनी होगी कि शरीर खत्म करना पड़ेगा। अब और तह में जाइए, पहली गलती होती है तो प्रकृति हमको मना करती है, अब मत करना। कैसे? शरीर को भी संशोधन आते हैं कि अब अमुक रोग हो गया, ये मत खाना, लेकिन आदमी दवा ले लेता है, दवा लाओ कोई बात नहीं, दवा खाते रहेंगे खाते रहेंगे, दवा खाते रहेंगे खाते रहेंगे, फिर शरीर कहता है कि बढ़ाओ मत, अब दूसरा ये लो, दूसरी बेल बजी, बज गई, शुरू हो गया, फिर तीसरा टैबलेट शुरू हुआ। ये भूल का परिणाम है जगत, क्या करेंगे? फिर हम तैयार रहते हैं, कोई बात नहीं, अब आगे अंजाम जो भी होगा देखा जाएगा, हो गया। कथा में मां बैठी नहीं, मन कथा में न लगा, भगवान को देखकर शिव जी ने प्रणाम किया, प्रणाम नहीं की, मना किए परीक्षा लेने न जाए, मां गई पूछ बैठे बाबा, ले नहीं परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सब बात। माँ ने क्या कहा, कछु न परीक्षा लेने गोसाई, कछु न परीक्षा लेने गोसाई, कीने बाबा को विश्वास नहीं भया, क्यों? तीन बार झूठ बोला गया, तीन बार बात न मानी गई, चौथी बार सहज में मां ने कहा तब भी विश्वास नहीं भया, शिव जी चले गए अंदर, देखे वो हरि ध्याना तब शंकर हरि ध्याना, सती जोगीने चरित सब जाना, सती जोगीने चरित सब जाना, बहुरी माने, अंदर चले गए, सती मैया ने जैसे जैसे परीक्षा लिया था सब झांकी का दर्शन हो गया, भगवान की जिस माया का स्वरूप धारण किया माने उस माया ने आसन जमा लिया, शंकर बाबा समझ गए अब तो लगता है भगवान लीला आगे बढ़ा रहे हैं,
इस कथा को वैसे ही समझना होगा, ये भगवान की लीला है। कैसी लीला? भगवान सती जी का शरीर छुड़वाकर उनको पार्वती जी के स्वरूप में अवतार दिलवाना चाहते, अस्तु ऐसी बुद्धि भोरी कराती। जगत में जो कुछ भी हमारे साथ घटे इसको भगवान की करुणा मान लेना चाहिए, दुख नहीं होगा, ये सब उनकी रचना है, सब हमारी आपकी नहीं। भगवान शिव ने संकल्प ले लिया, सती जी ने सीता मैया का वेश बनाया, अब तो मेरी इनमें मां जैसी श्रद्धा है, अब पति पत्नी इस रूप में प्रेम कैसे आगे बढ़ेगा। शिव जी ने मन में संकल्प ले लिया, एहि तन सती भेंट मोहिला, शिव संकल्प कीन मन मान। आकाशवाणी ने शिव जी की प्रशंसा किया, धन्य है बाबा, धन्य है आपकी भक्ति की दृढ़ता। और अपने संकल्प का स्मरण करके पुराण इतिहास की अनेक कथाएं सुनाते हुए सती जी को लेकर बाबा भोलेनाथ कैलाश पर पहुँचे। अपने प्रतिज्ञा के भाव में आकर ऐसा संकल्प साधे, 87,000 वर्ष तक समाधि में बैठे रहे। याज्ञवल्क जी इस कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, देव भगवान शिव 87,000 वर्ष के बाद जब नेत्र खोलते हैं, मुख से राम नाम बोले, माँ सती गई, राम कथा सुनाने लगे, उनको आनंद है, रस है, पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रही है, ऐसा शिव जी के श्रीमुख से विमानों की आवाज़ सुनकर सती जी ने जब जाना, जाने की जिद करने लगी। जीवन में कभी हठ नहीं करना चाहिए, हठी व्यक्ति के जीवन में दुख एक साथ आता है। जीवन को सहज चलाना चाहिए, बाल हठ अच्छा है, वो भी हठ अच्छा है, लेकिन हठ करना ठीक नहीं। हट करके रेख नहीं मनाना चाहिए, मैं तो ऐसा ही करूंगा। जो हट करता है उसका अपना ही हानि होवे है। भक्त को हट नहीं करना। एक शब्द है अभिमान, दूसरा शब्द है उसी का स्व अभिमान। हम जब बोलते हैं तो कहते हैं ये मेरा स्वाभिमान है, लेकिन दूसरा जब सुनता है वही मेरा स्वाभिमान, उसको क्या लगता है? अभिमान है। स्वाभिमान ही अभिमान है, दोनों अलग अलग नहीं है। हम कहें तो स्वाभिमान लगता है और सुनने वाले को अभिमान लगता है, मैं बहुत अच्छी कथा करता हूं, ये मेरा स्वाभिमान है, और जो सुना वो। कई बार हम जो कहते हैं अपने भी समझ नहीं पाते, दूसरा समझता है। कई बार हम जो समझाना चाहते हैं वो नहीं समझ करके अगला अपने हिसाब का समझ जाता है, बात बदल जाती है और बनने की जगह बिगड़ जाती है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।